गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम वीक नंबर 3 के क्वेश्चन 45 से स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो नंबर 4 में आपको क्वेश्चन CBT एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मिलेंगे। आप लोग लगातार वीडियो देखते रहें और CBT एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। चलिए चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। रेती की लंबाई मापी जाती है। रेती की जो लंबाई होती है वो टैंक से टिप या पॉइंट तक मापी जाती है। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 46। वी ब्लॉक का गुरु होता है। वी ब्लॉक का गुरु जो होता है वो 90 डिग्री होता है। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 47। मार्किंग ऑफ टेबल की सतह पर होता है। ये क्या है कि मार्किंग ऑफ टेबल के ऊपर जो होता है वो जाब की सेटिंग के लिए होता है। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 48। हैमर बाजार में मिलते हैं। इसका आंसर है सी। पेन के प्रकार व भार के अनुसार, जो उसकी पिन होती है उसके प्रकार के अनुसार या फिर भार के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 49। हैमर में आई होल रखा जाता है। हैमर में जो आई होल रखा जाता है वो ताकि हैंडल व हैंडल में फच्चड़ जो वेज होता है वेज लगाई जा सके। इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 50। बेंच वाइस का साइज लिया जाता है। बेंच वाइस का जो साइज होता है वो जाँच से जा प्लेट की लंबाई से लिया जाता है। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 51। पाइप वाइस के जा का वी गुरु कौन होता है। इसका आंसर है 90 डिग्री ए। क्वेश्चन नंबर 52। मशीन वाइस का ग्राइंड नट बना होता है। तो इसका आंसर है डी, पीतल का। क्वेश्चन नंबर 53। हैंडल हैंड फाइल होती है। हैंड फाइल जो होती है वो चौड़ाई में समानांतर मोटाई में टेपर होती है। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 54। रेती पर सिंगल कट दाते कटे होते हैं। इसका आंसर है बी, 60 डिग्री पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। डबल कट रेती में ओवर कट कटे होते हैं। तो इसका आंसर है बी, 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 56। डबल कट रेती में अप कट होते हैं। तो 56 जो होता है उसका आंसर है सी, कोर ड्रिलिंग। नहीं, 51। 56 का जो आंसर है वो है सी, 51। ठीक है। 57 का है, सुराख को बड़ा करने की क्रिया खालिस्तान है। सुराख को बड़ा करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं बोरिंग, डी। क्वेश्चन नंबर 58। ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमाप होता है। जो अल्पमाप होता है ब्रिटिश माइक्रोमीटर का वो 58 में इसका आंसर है सी, 1 इंच/1000 सी। क्वेश्चन नंबर 59। ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर 1 इंच में चूड़ियां होती हैं। 1 इंच में जो चूड़ियां होती हैं वो होता है बी, 25। माइक्रोमीटर स्पिंडल पर 1 इंच में चूड़ियां होती हैं, 25। क्वेश्चन नंबर 60। माइक्रोमीटर के पार्ट्स बनाए जाते हैं। माइक्रोमीटर के जो पार्ट्स हैं इनवार स्टील से बनाए जाते हैं। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 61। माइक्रोमीटर के स्पिंडल में चूड़ियां कटी होती हैं। माइक्रोमीटर के स्पिंडल में जो कटी होती है चूड़ियां वो होती है सिंगल स्टार्ट। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 62, माइक्रोमीटर का सिद्धांत, माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत होता है वो है सी, नट और बोल्ट, इसका भी सी है, ठीक है। अब आता है 63, सेफ माइक्रोमीटर उसे कहते हैं, तो इसका आंसर है बी, जिसमें रेचर स्टाप लगी हो वह कार्य करती हो, बी। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में, वीडियो नंबर जो 4 है, इसमें 45 से लेके 63 तक के आपको क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग लगातार वीडियो देखते रहे और वीडियो को देखकर दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो वीक नंबर, लेसन नंबर 3 की 5 नंबर वीडियो। ओके, थैंक यू।